हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। हम धे आईएएस की यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। ये तीसरी टेस्ट सीरीज है। एक हमने किया था करंट अफेयर्स वाली सीरीज, दूसरा एक पूरे 150 क्वेश्चन थे उसकी सीरीज की थी, और इसमें भी 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर की तरह। पेपर ये वाला ईजी है, तो पीटी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। कुछ सिक्के दिए हुए हैं, दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। तो लिखा है गुप्त राजाओं ने उपरोक्त में से कौन से सिक्के चलवाए थे, तो दिनार और सुवर्ण चलवाए थे, 1 और 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। पहला कथन है, बौद्ध धर्म की हीन यान शाखा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करती थी, ये सही है। महायान शाखा मूर्ति पूजा पर विश्वास करती थी, हीन यान नहीं करती थी। और विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है, ये भी सही है। तो दोनों सही होगा, 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अष्टांग संग्रह किसकी रचना है, तो ये वाग्भट की रचना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने की जानकारी दी है, तो लुम्बिनी को, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ अपने राज्याभिषेक के 20 साल बाद अशोक गया, और रुम्मिन देई एक अभिलेख लिखवाया जिसमें ये बात की गई है कि यहाँ के लोगों को 1/6 टैक्स ना देकर 1/8 देना पड़ेगा, यानी टैक्स कम हो गया। ये लुम्बिनी का होगा, आंसर ए। मेगस्थनीज द्वारा भारत में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। पहला कथन है, भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है, ऐसा इसने कहा था। दूसरा है, भारत में सुव्यवस्थित जात व्यवस्था है, ये भी कहा था। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ऐसा इसने नहीं कहा था, इसने कहा था भारत में अकाल नहीं पड़ता है, जबकि भारत में अकाल पड़ता है, तो सत्य नहीं है पूछा है, तो भारत में अकाल पड़ता है, ये इसका कथन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वंशों में सही क्रम क्या है, तो यह पहले आए थे गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, ये ऑप्शन डी होगा। पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की, तो ये हरिहर प्रथम ने धारण की थी, जो विजयनगर का शासक था। नेक्स्ट है, इसमें मैच करना है सूची 1 और 2 को। 2 से, अजातशत्रु हर्यक वंश का था, कनिष्क कुषाण वंश का, अशोक मौर्य वंश का, कालाशोक शिशुनाग वंश का, तो सही ऑप्शन होगा 1, यानी ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अश्वघोष द्वारा रचित नहीं है, तो बुद्धचरित, सौद्रानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों अश्वघोष की हैं, जबकि माध्यमिक कारिका ये नागार्जुन की है, तो सही होगा ऑप्शन डी। नहीं पूछा है, रचित नहीं है, तो बस तीसरी नहीं है और तीनों अश्वघोष की है। नेक्स्ट है, पल्लव कला का सही क्रम क्या है, तो पहले पल्लव कला में आई थी महेंद्र शैली, फिर आई थी मामल्य शैली, फिर राज सिंह शैली, फिर नंदी वर्मन शैली। महेंद्र शैली, मामल्य शैली, राज सिंह शैली, फिर नंदी वर्मन शैली। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाहौर में वर्ष 1921 में की गई, तो लाला लाजपत राय ने की थी सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना। अगर सर्वेंट सोसाइटी की बात करें तो उसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, लेकिन अगर पीपल सोसाइटी आ जाएगा तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक 1992 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में सत्य नहीं है, तो ये है सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की छूट, ये 1813 में दी गई थी, 1892 में नहीं। नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा निम्नलिखित में से किसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया, तो ये था रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया, बदायूनी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी, तो इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना सबसे बाद में हुई थी, ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, राम ब्रह्म समाज बना था 1828 में, रामकृष्ण मिशन बना था 1897 में, प्रार्थना समाज 1867 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है कल्लड़ मृच्छकटिकम, ये सही सुमेलित यही वाला नहीं है, शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम, बाकी तीनों सही है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, सर वर्मा ने कातंत्र, विज्ञानेश्वर ने लिखा था मिताक्षरा। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन एक प्रमुख शाखा थी, तो यह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश के किस शासक ने सैकड़ों राजाओं को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
तो अंग वर्तमान में भागलपुर जिले के बिहार में है, रश्मक गोदावरी नदी क्षेत्र में है, वत्स प्रयागराज में है, जबकि मत्स्य राजस्थान में आता है, पटना में नहीं आता। तो सही होगा ऑप्शन डी, गलत पूछा है तो डी गलत है। नेक्स्ट है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो रेगिस्तान है अफगानिस्तान का हिस्सा। हमारे यहाँ वैसे रेगिस्तान सभी डेजर्ट को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रेगिस्तान नाम का एक मरुस्थल है। अगला है, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने तथा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये गुरु अंगद को जाता है, ऑप्शन डी। हांगल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मद्रास की संधि हुई थी, ये सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की जगह हैदर अली की जगह टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो गलत पूछा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो ये थी मार्च 1943। देखिए 1944 में 40 में इन्होंने घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान अलग बनेगा, उसके बाद इसी दिन मार्च 1943 में इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी थॉमस हॉलैंड ने की थी 1916 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, कौन सा या से सत्य हैं? तो पहला है, सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1888 में इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरा, इसका प्रमुख उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। तो पहला तो सही है कि 1888 में इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, जबकि दूसरा गलत है, देशभक्ति के लिए नहीं की थी, कांग्रेस का विरोध करने के लिए की थी। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए, केवल वन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पहला केवल सही है, लॉर्ड रीडिंग के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, बाकी तीनों गलत है, ये अलग अलग गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट को 1856 के अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया? तो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, जबकि यहाँ पे नहीं छपा था, तो मैंने नहीं लिख दिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जलवाष्प है। तो गलत पूछा है, ऑप्शन सी होगा। बाकी तीनों सही हैं, ए बी सही है, डी भी सही है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन होती है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है। कोयले की खान में काम करने वाले वालों में होने वाला रोग है क्लोम गोलाण रुग्णता। नेक्स्ट है, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्ना बेना के बीच संबंध कैसा है? ये सहजीवी संबंध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूगा चट्टान क्षेत्र नहीं है? तो इसमें नहीं कौन सा है, खंबात की खाड़ी। देखिए मूंगा चट्टान से चट्टानें मन्नार की खाड़ी में भी हैं, लक्षद्वीप में भी हैं, अंडमान निकोबार में भी हैं। अंडमान निकोबार पर्वत हिमालय पर्वत का भाग है, लेकिन यहाँ पर भी मूंगा चट्टानें हैं, जबकि खंबात की खाड़ी में नहीं, कच्छ की खाड़ी में है। कथन असत्य है, इसमें असत्य पूछा है, इसमें ऑप्शन डी होगा, कोई भी असत्य नहीं है। पहला है, फोटोकेमिकल धुंध में सदैव ओजोन होता है, ये सही है। दूसरा है, लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, ये भी सही है। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये भी सही है। तो होगा कोई भी असत्य नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इकोटोन में जो प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं एज प्रजातियाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से मैच करना है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। खुसरो का युद्ध हुआ था, खुसरो का विद्रोह हुआ था जहांगीर के समय में। और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्पृश्यों के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो ये था कुटीर उद्योगों की स्थापना, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित सातवाहन शासकों में किस एक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें। पहला है मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा शौकत अली, तीसरा हसरत मोहानी, चौथा एम ए जिन्ना। तो उपरोक्त में से कौन खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे? तो मौलाना मोहम्मद अली भी, शौकत अली भी, हसरत मोहानी भी, जिन्ना नहीं थे। इन्होंने कहा खिलाफत आंदोलन को हमारा कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्शन 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में कौन सी मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? तो ये नदी है मिसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया। 2, 3, 5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सुदूर दक्षिण में स्थित स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो यह है लेसोथो, जो कि साउथ अफ्रीका के बीच में स्थित है। ये पूरा साउथ अफ्रीका, इसके बीच में लेसोथो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगम कहा जाता है? कोमोलांगम। तो यह है माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है? तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है मेघालय की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है, जन्म स्थान, लिंग तथा धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है। दूसरा है, अनुच्छेद 15 का ए में प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। तो सही होगा ए, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक घटना के साथ उपमुख्य संकट यानी सब प्राइम क्राइसिस शब्द जुड़ा है? इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है सब प्राइम क्राइसिस, तो यह है आर्थिक मंदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो वाष्पीकरण भी आता है जल चक्र में, हिमीकरण भी, विघलन भी, जबकि ऊर्ध्वपातन नहीं आता है। इसमें कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना द्रव में आए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यह है छत्तीसगढ़। बिहार भी नेपाल से लगता है, उत्तराखंड भी नेपाल से लगता है, मेघालय जो है इसकी भी सीमा लगती है बांग्लादेश से, तो छत्तीसगढ़ केवल इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किस एक पर? तो लाइकेन पर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागर धाराओं में कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? तो कुरोशियो, जो कि प्रशांत महासागर में जापान के पास स्थित है, ये गर्म जलधारा है, बाकी तीनों ठंडी जलधाराएँ हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, GDP के प्रतिशत में वृद्धि से, अर्थव्यवस्था की संरचना में वृद्धि से, तीनों सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पेमेंट बैंक के रूप में देश में कार्यरत है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सभी हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, रिट जो किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर करने अथवा प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने के संबंध में जारी की जाती है, वह रिट कौन सी है? तो वह है उत्प्रेषण, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो पहले पश्चिम से पूर्व भिलाई आता है छत्तीसगढ़ में, फिर आता है राउरकेला उड़ीसा में, फिर जमशेदपुर आता है झारखंड में, फिर दुर्गापुर आता है पश्चिम बंगाल में, तो सही क्रम यही है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करने वाली गैसों का घटता क्रम क्रमशः क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है वो जलवाष्प का होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, ये सही है। दूसरा है, कावेरी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जल ग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, तो दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था करता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो यह है ऑप्शन सी,
आर्टिकल 361 ऐसा कहता है कि राष्ट्रपति जवाबदेह नहीं होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक घाटी से होकर चंद्रभागा नदियां प्रवाहित होती हैं? तो लाहुल घाटी है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है लाहुल घाटी। सांगला घाटी भी हिमाचल प्रदेश की, युथांग घाटी सिक्किम की है और शांत घाटी यानी साइलेंट वैली है केरल की। नेक्स्ट है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें होंगी उसमें इको मार्क लगा रहता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? तो अनुच्छेद जो 19 है, आर्टिकल 19, ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि 20, 21, 22 सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी, इसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है, ये सही है। खादर की अपेक्षा बांगर की रचना नवीन जलोढ़ से होती है, ये गलत है। खादर जो होता है यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है और नई नई जलोढ़ मिट्टी आती है, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, तो ये गलत है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होती हैं, तभी तो बाढ़ आती है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? तो ये भारत और म्यांमार के साथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह कुट्टानाड केरल में स्थित है। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी। चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो चिरिया लौह खदान है झारखंड में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए जबकि वास्तविक नेता पेशवा बन गए? तो संगोला की संधि में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस उम्र के बालकों के किसी कारखाना खान या किसी परिसंकट में नियोजन पर प्रतिबंध है? तो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो काम नहीं कर सकते, ये है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी प्रांत सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा था मलंग बाबा। नेक्स्ट है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये सही है। गलत पूछा है, इसकी प्रवृत्ति न्यायोचित नहीं है, तो गलत यही हो गया, ऑप्शन बी। ये आयरलैंड से लिया गया है और निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह आर्टिकल 348, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो भारत की महान्यायवादी को संसद नहीं हटाती, इसे सरकार नियुक्त करती है और कभी भी हटा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा वर्वा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? ये सभी को पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था कि भारत जो उद्देशिका है प्रस्तावना, ये संविधान का भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ये की गई है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में, 15 के क्लॉज 5 में। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, ये सही है। दूसरा है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को आवश्यक रूप से देता है, ये सही नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री की जगह लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, तो सही कौन सा, केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द शब्दावली में कौन सा एक भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा गया है, बाकी ये तीनों लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से
एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है, तो निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य और प्रदत्त कार्य सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जयेद स्तंभ किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, तो ये पत्नी ही ग्रह है, इस अर्थ में जयेद स्तंभ का प्रयोग किया गया है। जबकि अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है, इसी की तरह मैच कर रहा है थोड़ा, अवेस्ता ये एक ईरानी ग्रंथ है जो ऋग्वेद के टाइम पे लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, तो जलोढ़ मिट्टियाँ सर्वाधिक क्षेत्र में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तीर्थंकर है उनका प्रतीक है कौन सा, सही नहीं है पूछा है, तो पहला ऋषभ देव, वृषभ से इनका प्रतीक है वृषभ यानी बैल, अरिष्ट नेवी का प्रतीक कलश नहीं है जबकि शंख है, तो यही गलत होगा। संभवनाथ का आंसू है, महावीर का सिंह है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप है, तो सभी प्रकार के निषेधाधिकार प्राप्त हैं, संपूर्ण, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सभी, उपरोक्त सभी, यही सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरहिंद युद्ध का परिणाम था, तो सरहिंद युद्ध हुमायूं ने एक बार पुनः अपना खोया राज्य इसमें प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कोलिमा जो है ज्वालामुखी मैक्सिको में है, पोपो कैपिटल जो है इक्वाडोर में नहीं है, मैक्सिको में है, तो गलत पूछा है, ऑप्शन बी। अलबुर्ज ईरान में है, माउंट सस्ता यूएसए में है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान से संबंधित था, तो अब्दुल रज्जाक जो देवराज द्वितीय के दरबार में आया था विजयनगर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से गुजरती है, तो ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो राज्य सहकारी बैंक उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, ये गलत है, भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि में दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, ये सही है, केवल दो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके काल को भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल माना जाता है, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे, ये थे बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है कैसे, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी। हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित समितियों में किसका गठन सबसे बाद में हुआ था, तो एलएम सिंघवी का गठन हुआ था 1886 में, ये समिति बनी थी 1886 में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन चुनें। पहला है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ये सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री वैक्यूरल ने किसकी खोज की, ये की थी रेडियो एक्टिविटी की, ऑप्शन बी। भारतीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पहला है यह भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ये गलत है, ये साइंस एंड टेक के अंदर है, यह हैदराबाद में स्थित है, ये भी गलत है, ये पुणे में स्थित है, ना तो एक ना दो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देते, तो भाग 9 मिजोरम में भी लागू नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, जैवीय रूप से अपघटित होने वाला प्रदूषक है, तो यह है मल, सीवेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है, तो ये संसद के नियंत्रणाधीन होती है और बिना संसद की परमिशन के इसको निकाला नहीं जा सकता, जबकि आकस्मिक निधि जो होती है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक
पोत निर्माण हेतु प्रसिद्ध नहीं है, तो वुपरताल में ऊनी वस्त्र बनते हैं और पोत निर्माण के लिए नहीं है, जबकि लेनिनग्राद, ग्लास्को, फिलाडेल्फिया में पोत निर्माण होता है, सिर्फ बिल्डिंग होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, तो किया गया था 10वीं में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो तीनों सही है। थाल घाट है नासिक और मुंबई के बीच, मोहर घाट मुंबई पुणे के बीच, पाल घाट कोची और चेन्नई के बीच, ऑप्शन डी होगा। देखिए ये मुंबई है, इधर नासिक हो जाता है, इधर पुणे हो जाता है और इधर पाल घाट हो जाता है। तो याद रखिएगा एक ट्रिक के की तरह से कि भोर जो होता है उस बीच में आता है, पहले हम थाल सजा के निकलेंगे सुबह सुबह, तो इधर आ गया नासिक, इधर आ गया पुणे और नीचे वाला जो होगा ये पाल घाट होगा, कोची और चेन्नई के बीच। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अधिक वर्षा का कारण क्या है, तो यह है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है, तो खिरगिज जो कि रसिया में रहती है, ये अपने स्थल को जहाँ पर रहती है उसको यूर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीलियोफोबस ऐसे पौधों को कहा जाता है जो होते हैं, तो ये छाया प्रिय पौधे होते हैं जो छाया में रहते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत 10 लाख की नगरों में निवास करते हैं, तो यह है 42.6, ऑप्शन बी। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था, ये किया गया था 1970 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो राजघाट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है, केन नहर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, गंडक उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, तो सही कौन सा होगा, 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्न को उनके स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, पहला है राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1988 में, नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 में, भारतीय आयात निर्यात बैंक बना था 1 जनवरी 1982 में, तो सही क्रम होगा 3, 2, 1। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, तो ये है भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित करने से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटे में ब्याज जब ऐड कर दिया जाएगा तो राजकोषीय घाटा बनेगा, और प्राथमिक घाटा कैसे बनेगा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज को घटा दिया जाएगा तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है, तो यह है जिब्रेलिन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मैच करना है, महादेव पर्वत पे धूपगढ़ चोटी है सबसे ऊंची, अन्नामलाई पे अनाईमुडी, नीलगिरी की है डोडा बेटा, अरावली की है गुरु शिखर, तो सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, तो हिपेरिन के कारण। जब हमारे अंदर ब्लड रहता है वो जमता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें हिपेरिन होता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन बी। जल अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब, 1974 को। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी प्राप्त होती है, तो 3% आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किस राज्य में थी, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज पूछा होता तो केरल में होता, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नगर पठार पर स्थित है, तो ये मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड पठार पर बनी है, मेसेटो पठार का नाम है मेसेटो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एपिनाइन इटली में है, टिटलिस स्विट्जरलैंड में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है, जबकि ड्रेकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो ये है केसिन, केसिन किस में पाया जाता है, दूध में। नेक्स्ट है, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ, ये हुआ था 1969 में RBI द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बोन ऐश में उपस्थित होता है? तो बोन ऐश में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक देश का समय ग्रीनविच समय के समान नहीं है? तो घाना भी है, गिनी भी है, मैरिटोनिया भी है, गैबोन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से मुद्रा स्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपायों में सम्मिलित हैं? तो जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब होता है, ये मौद्रिक उपाय हैं, जबकि आयात में वृद्धि, करारोपण में वृद्धि, ये मौद्रिक उपाय नहीं है। तो सही कौन सा होगा, मौद्रिक उपाय पूछे हैं, तो 1 और 4, 1 और 3 सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए 1 और 3। निम्न कथनों पर विचार करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1955 को हुआ था, ये गलत है, 1 जनवरी 1949 को हुआ था राष्ट्रीयकरण। तो सही कौन सा होगा, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त करने को लक्षित करता है? तो ये सतत लक्ष्य SDG 5 ऑप्शन बी, जबकि 6 जो है वो पानी से संबंधित है, 7 है मॉडर्न एनर्जी से, 8 जो है ये रोजगार और समावेशी विकास के लिए है। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन मार्च 2021 में आयोजित हुआ, इस समूह में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्वाड समूह में भारत है, USA है, जापान है, कनाडा नहीं है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में विश्व की सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति के क्रम में शीर्ष स्थान चीन को दिया गया, इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 4th, पहला स्थान चाइना का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाफत आंदोलन को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ने के विरोधी थे? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, IUCN का मुख्यालय है मार्गस में, मार्गस स्विट्जरलैंड में है, विश्व वन्यजीव कोष ग्लैंड में है, ग्लैंड भी स्विट्जरलैंड में है, UNEP नैरोबी में है, नैरोबी केन्या की राजधानी है, तीनों सही हैं उपरोक्त सभी। सहायक नदी पूछा है, कौन सी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, पहला गलत हो गया। सही इसमें पूछा है, उपरोक्त में से कौन सुमेलित हैं? तो पहला तो सुमेलित नहीं है, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती, गंगा में मिलती है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र मिलती, केवल 3 सही है, ऑप्शन डी। चंबल नदी किस में मिलती है? यमुना में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश की सीमा का स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ये सही है। दिल्ली की सीमा मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी है, ये गलत है, केवल गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी है। जबकि NCR की बात करें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा एरिया, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें केवल, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, केवल 1। नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में आजीवीय पदार्थों की उपस्थिति मात्रा कहलाती है, तो ये कहलाती है खड़ी अवस्था। नेक्स्ट है, लिंचिंग प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो यह है लैटेराइट मिट्टी, लिंचिंग प्रक्रिया से बनती है, जिसमें पोषक तत्व तो पानी के साथ जमीन के नीचे चले जाते हैं और ऊपर जो उपजाऊ मिट्टी नहीं रहती, बस वही बचती है। नेक्स्ट है, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित हुआ, इस नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ किसने भाग लिया? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो करंट अफेयर वाला थे या इसका पहला जो टेस्ट सीरीज था उसमें देखा था, ईरान और रूस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक देश के प्रसिद्ध लैंडमार्क फेडरेशन टावर में भारत ने ऊर्जा कार्यालय खोला है? तो ये खोला है मॉस्को, रसिया में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? ये भी हम कर चुके हैं, तेलंगाना के रामगुंडम में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है 100 मेगावाट का। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नाग नदी नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दी गई, नाग नदी कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी, तो 15% से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन सी।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो तीनों सही हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है 902, महिला साक्षरता दर है 57.2, 10K वृद्धि दर 20.2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन बी। 18वीं शताब्दी के स्रोत फुतुहात उल हिंद में निम्नलिखित में से किस बोली में विशाल शब्दावली दी गई है? तो ये दी गई है ब्रज भाषा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो NS विश्वनाथन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? यह है मिथाली राज, ऑप्शन बी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित हुआ? तो ये इटली सम्मिलित हुआ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ की लेखक है? ये मेघना पंत है। ये सब हमने क्वेश्चन करंट अफेयर वाले सेक्शन में कर लिए हैं। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी होते हैं तो ये होते हैं विशुद्ध प्रोटीन, ऑप्शन बी। मुद्रा बाजार वह संगठन है जहाँ कोई व्यक्ति अथवा संस्था मौद्रिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु तत्पर होती है, तो अल्पकाल के लिए, मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए कोई भी संस्था ऋण देने को तैयार रहती है। नेक्स्ट है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र कौन सा है? काइमोग्राफ, ऑप्शन बी। भारत में विदेशी व्यापार का निगमन किसके द्वारा किया जाता है? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस एक के साथ है? तो ये है राष्ट्रीय आय के साथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का उत्तरदायी है? तो ये है वेरियोला, ऑप्शन बी। भीम बेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को संबंधित किया जाता है मध्य पाषाण काल से। भीम बेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये तीसरी टेस्ट सीरीज़ थी। आपको और भी टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।